Hi guys, I'm back with the Azmat Hussain video. और आई एम वेरी सॉरी आप लोगों का, मतलब मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया आप लोगों के रिक्वेस्ट को पूरा करने में. आप लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया है अजमत हुसैन को और इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर दैट कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया. एंड अगर जो भी लोगों को यार वो वाला वीडियो में एक दो लोग थे जिनको यार काफ़ी बुरा लगा कि मैंने कुछ ऐसा कहा जिसके वजह से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं बता रहा था इंडियन आइडल वाले क्या करते हैं. मेरा सिर्फ इतना कहना था कि इंडियन आइडल वाले अच्छे से अच्छे टैलेंट को बाहर रख देते हैं. अजमत हुसैन को सिर्फ इसलिए मौका दिया इन लोगों ने क्योंकि इससे पहले अजमत हुसैन ने बहुत बड़ा नाम कमाया था एक रियलिटी शो में, और ये एक टीआरपी का पात्र हो सकते थे जिसके वजह से इन्होंने वो चांस लेकर के इनको अंदर लिया. वरना आप एक बार इंडियन आइडल के गेट के बाहर पर जाकर के देखो, हज़ारों की तादाद में द बेस्ट एंड बेस्ट सिंगर को अंदर ही नहीं लिया जाता है जबकि वो कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं. एंड दैट्स अ वेरी लकी पर्सन कि जो भी वहाँ पे आकर के परफॉर्म कर पा रहे हैं, पर वहाँ पे ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिनके पास में थोड़े बहुत पैसे भी हो. तो मैं बात कर रहा था इंडियन आइडल के बारे में, ना कि अजमत हुसैन के टैलेंट के बारे में या अजमत हुसैन के खिलाफ. आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ अजमत हुसैन. उनके गाने के स्टाइल को मैं उनके बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. 2012 एंड 13 में मैंने देखा था कि वो भाई जिस तरह से गाना गा रहे थे, मीन्स मैंने इससे पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं उनका ट्रू फैन हूँ और उनके गाने के अंदाज को मैंने हमेशा पसंद किया है. जैसे वो वापस आए तो उनके ऑडिशन राउंड पे ही मेरे आंख से यार आंसू निकल आए थे. घर पे बैठे बैठे मैं देख रहा था एंड आई वाज अनस्टॉपेबल. मैं रोक ही नहीं पाया खुद को उस वक्त में. तो यार जो रियलिटी था मैंने वही बताया है. बाय द वे, एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अजमत हुसैन की परफॉर्मेंस डे बाई डे बढ़ रही है, मीन्स एक ग्रोथ दिखा रही है. आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूं मिस्टर जीरो. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अजमत हुसैन के परफॉर्मेंस के बारे में कि इंडियन आइडल 11 में उनका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है और लोग कैसे पसंद कर रहे हैं. तो चलो यार शुरू करते हैं. बस इस सैटरडे या इससे पहले वाले सैटरडे की बात की जाए तो इन लोगों का एक बहुत अच्छा तरीका चल रहा है इंडियन आइडल वालों का कि पहले दिन में, यानी जो दो एपिसोड होता है, दो हिस्सों में, दो दिन में जो एपिसोड्स दिखाए जाते हैं उसमें हमेशा पहले एपिसोड में ही दिखा दिया जाता है अजमत हुसैन का परफॉर्मेंस. मीन्स शो स्टॉपर नहीं, शो बिगनर की तरह से उनको यूज़ किया जा रहा है. बाय द वे, मैं इंडियन आइडल की बात नहीं करूँगा वरना काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी यार, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं है. मैं दिल से तहे दिल से चाहता हूँ कि इंशाल्लाह माशाल्लाह जो भी बोला जाता है उस तरह से उनको जीतने का मौका मिले और वो हमारे सामने एक बेहतरीन सिंगर बनकर सामने आए. तो यार चलो मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ. परफॉर्मेंस यहाँ पे इस बार उन्होंने गाया है जतिन ललित के सामने में, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, फ्रॉम द मूवी सरफरोश, जिसमें यार नसरुद्दीन शाह थे और आमिर खान थे. तो ये मूवी में सबसे पावरफुल गाना अगर कुछ था तो यही था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही इंटेंस माहौल को दर्शाया जा रहा था और इस गाने को इतना खूबसूरत गाया गया था उस टाइम पे, सोनू निगम ने गाया था. एंड सोनू निगम कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत राइजिंग सिंगिंग स्टार थे और उनकी आवाज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. बट इंडियन आइडल में जब जतिन ललित बैठे हुए थे, मीन्स जतिन जी जब बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपको गाना कैसा लगा, तो उनका एक ही कहना था कि कव्वाली गाना इट्स अ वेरी हार्ड वर्क और हर कोई कव्वाली नहीं गा सकता है. बट अकॉर्डिंग टू मी अजमत हुसैन के लिए कव्वाली जस्ट लाइक अ बाएं हाथ का खेल है. उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी और बॉडी पॉस्चर, उनकी आवाज़, उनका गाने का स्टाइल ओनली एंड ओनली कव्वाली पे ही ज़्यादा सूट करता है. इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल का गाना सूट करता है, पर मेरा ये कहना है कि अजमत हुसैन कव्वाली यूँ गा लेते हैं और उनके आवाज़ में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन हाँ, जिस तरह डॉक्टर्स उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे थे कि अजमत हुसैन का गला जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, वो गाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और गाने के लिए छोड़ो उनको बोलने के लिए यानी बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है. लेकिन आई एम सो हैप्पी कि उनकी परफॉर्मेंस डे बाई डे ऊपर जा रही है और हर कोई उनके परफॉर्मेंस से खुश हो रहे हैं. और कई बार उनको मतलब एज अ जजमेंट उनको ये बोला गया है कि आपने मौसम बदल दिया. एंड ट्रस्ट मी यार, वो वैसे भी जब भी सिर्फ स्टेज पे आ जाए ना तो यार मौसम बदल दिया वाला सीन हो जाता है कि हाँ इन्होंने मौसम बदल दिया. बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, उनके अंदर में जो भी अभी भी थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी बची हुई है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए. अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट पे जा करके डालो यार कि प्लीज़ यार अजमत भाई अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म करो. दूसरी एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, यूट्यूब में भी वो एक्टिव है. अजमत हुसैन YouTube में एक्टिव है. मुझे जस्ट 2-3 दिन पहले ही मुझे उनका एक वीडियो का रेफरेंस आया था, सजेशन में आया था, जिसमें अजमत हुसैन जो है अपने घर पे खड़े होकर के गाना गा रहे हैं, मीन्स एक छोटा सा रियाज कर रहे हैं जो कि कुछ 1 या 1.5 मिनट का ही वीडियो है. अजमत हुसैन के नाम से है, जा करके चेकआउट करो. 4 या 5 ही वीडियो डाला है और वो हर वो वीडियो डालते हैं जो कि कल परफॉर्म करने वाले हैं या नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करने वाले हैं. उसका रियाज का जो वीडियो होता है या सिर्फ जो ऑडियो होता है वो ऑडियो डालते हैं. आई थिंक कि वहाँ पर कोई भी वीडियोग्राफी
या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगा, जिसके वजह से सिर्फ वो ऑडियो डालते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके वहाँ पे देखी जाए तो यार काफ़ी कम व्यूज़ है, अराउंड 400 व्यूज़ ही है, 350 या 400 व्यूज़ है, तो यार ये सही नहीं है। उनके वीडियोस को जा करके देखो यार, वो तो अजमत हुसैन वहाँ से भी यूट्यूब से भी मतलब लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी हैव टू कैप्चर दैट पर्सन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में उनका जो चैनल है उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अगर वो वहाँ पे सपोर्ट किया गया तो यार सच बता रहा हूँ लोगों के दिलों तक पहुँचेगा और वोट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ यार जितने भी यहाँ पे अजमत हुसैन के फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ यार इसको फॉरवर्ड करो यार, इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को बताओ कि अजमत हुसैन का यूट्यूब चैनल भी है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर के आऊँगा, जैसे उनके कुछ परफॉर्मेंस होंगे, जैसे कुछ तहलका मचाने वाला न्यूज़ होगा मैं लेकर के आऊँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सनी हिंदुस्तानी, वो जो गुज्जर बंदा है ना, मीन्स जो अपना शूज़ पॉलिश का जो जॉब करते थे, उनकी सिंगिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हो प्लीज़ यार चैनल पे बने रहो, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, मैं उनके बारे में भी डिटेल डालने वाला हूँ, क्योंकि वो राहत फतेह अली खान के एक कॉपी वर्जन दिखता है मुझे। तो प्लीज़ यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता।